असलामुअलैकुम, तू कैसा ही? हो आर यू? संगे चल दे की हाल ने सोने हो, एंड हो आर यू? क्या हाल है आप सबके? यार बहुत लंबा इंट्रो कसम से मैंने कहा लिया, लेकिन मैं इतना ही करूँगा। थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन चलता है भाई, आखिर मेहनत तो करनी पड़ती है ना, एवं थोड़ी कोई वीडियो देखने आएगा। 2 दिन रह गए अकेडमी से अलविदा होने को, और जाते जाते हम इन खूबसूरत हाथों में दे के जाएंगे कि आप लोग अब इसके बाद काम करें। रही बात जरदार की, तो जरदार साहब की नौकरी लगी, उस बंदे को तो सरकारी नौकरी चाहिए जो उसको मिल गई है। खैर मिली तो नहीं है कन्फर्म, लेकिन ये बंदा इसको गौर से देखने बड़ा नेक काम कर रहा है। बताता हूँ क्या, वो ये कि आजकल पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। अगर इस्लामाबाद के आसपास इलाकों में किसी ने कतरे नहीं पिए तो नीचे कमेंट में बता सकता है, ये बंदा पहुँचा दिया जाएगा आपके पास। टेंशन ले, गौर से आप प्रोफाइल देख सकते हैं कितना मेहनती बच्चा है। नज़र सिंधी आता लेकिन है कश्मीरी, इसलिए ना टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। बैठ के तंग आ गया था, तो मैंने कहा कहीं चक्कर ही लगा नहीं, एक सरकारी इदारा नाम है, बता नहीं सकता, लेकिन बस जो होगा सो होगा। अगर कुछ खास बात बताने वाली हुई तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो अभी मैं अंदर जा रहा हूं, तो फिर मिलते हैं। सो ज़्यादातर सियासी हो रही है, जो मतलब पी टी आई और नून लीग के मुताले, हालांकि पाकिस्तान का मैच आ रहा है, इनको कोई सरोकार नहीं है पाकिस्तान बांग्लादेश में से कौन जीता है कौन आ रहा है, बस इनको आधे पी टी आई के बैठे हुए आधे पी टी आई वाले इनके बैठे हुए, और बस शुरू हुए में लड़ने वो ठीक, और पी टी आई वाले कहते हैं नून लीग वाले ख़राब है, पर पी टी आई बस लड़ ही है सही होता है। लेकिन ये है कि वो अपना काम करें, ऐसे इदारे नहीं है कि 24 घंटे पास की, ये वो वाला सरकारी इदारे नहीं है भाई, तारीफ़ करनी पड़ेगी चाहे झूठी हो सच्ची हो, आप जैसे भी मान लें, बस मैंने सरकारी इदारे की तारीफ़ कर दी आपके सामने। अभी मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ जिस इदारे में गया हुआ था, तो अभी मैं जिस इलाके में घूम रहा हूँ ना वहाँ पे रिहायशी कम और एम्बेसियाँ दूसरे मुल्कों की ज़्यादा हैं। देख लिया एम्बेसी यार, इस एम्बेसी का तो झंडा ही इन लोगों ने नहीं तब्दील किया कसम से, मैं तो इस मुल्क में कभी भी नहीं जाना, सही बात है मैं कह रहा हूँ यार। जो लोग अपनी एम्बेसी में अपने मुल्क का झंडा ही नहीं लगा सकते, उन्होंने अपने मुल्क में क्या सूरत हाल रखी यार, इससे बेहतर सबसे अच्छा पाकिस्तान हमारा। अच्छा एक और अहम बात, पिछली वीडियो में जो मैंने इंट्रो डाला था उस पर मेरे कुछ दोस्त हैं उनका इख्तलाफ था कि ये बात आपने गलत की है, ये बात आपको वीडियो में नहीं करनी चाहिए थी, तो उनकी इतला के लिए यार सब भाई आप दोनों को मैंने बिल्कुल कुछ ऐसी बात नहीं की थी। हाँ जिनको कही है उनका तो रिस्पॉन्स ही नहीं आया यार, और सबसे अहम बात मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया वीडियो में। इन बेचारों को ईंटें नहीं मिल रही थी ना, इसलिए इन्होंने पूरे ईंटों वाली जगह पे पूरा गेट बना दिया, माशाल्लाह। ये वाईफाई के सिग्नल नहीं दे रहे थे इसलिए इनको काट दिया गया। कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई होगी कि दरख्त और वाईफाई सिग्नल्स का क्या कनेक्शन है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस तरह हमें दरख्त ऑक्सीजन देते हैं हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह हमें वैसे वाईफाई के सिग्नल्स का मसला फ़ौरन हो तो हमें ख्याल रहता है यार वाईफाई मसला तो नहीं कर रहा, कोई तार उसकी ख़राब तो नहीं होगी, क्यों मसला आ रहा है, लेकिन इस तरह हम दरख्तों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो मेरा यही कहने का मकसद था कि ये वाईफाई के सिग्नल ही दे रहे थे इसे इनको काट दिया गया, तो मेरी एक ही गुजारिश है कि भाई दरख्त मत काटा करें। इस्लामाबाद में तो वैसे काफ़ी दरख्त हैं, लेकिन कुछ अरसे से बहुत बड़े लेवल पर दरख्त काटे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, और मेरी भी आप लोगों से गुजारिश है कि दरख्त लगाया करें और ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे आप पानी वगैरह भी दे सकें, ना कि लगाने के बाद पूछ ही नहीं कि कहाँ पर है, वो इस तरह नहीं ना कि वो किसी पीर बाबा के बाजार मज़ार पर जाएं तो मनन मांग कर धागा बांध आएं। कई लोग तो वो होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कौन सा धागा बांध आया था, बस मनते मांगने का पता होता है, मनते मांग के आनी है ये वो, खैर वो अलग वो फ़िरका वराना हो जाता है बाद में, उस बात की तरफ नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब था कि दरख्तों का ज़रा ख्याल रखा करें, और आज का यही मेन टॉपिक था मेरा कहने का मतलब। तो मुझे यकीन है आप मेरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर दरख्तों का ख्याल रखेंगे, और एक तो दरख्त लाजमी लगाएंगे, और अली यार सुन ले यार मैं तेरा भाई हूँ, मेरे ऐसे का भी तू ही लगा नहीं दरख्त, ठीक है ना? हाँ वेल डन, प्राउड ऑफ यू। तो इजाज़त चाहता हूँ, फिर बहुत जल्द मिलता हूँ।
यार जैसे जब भी वीडियो बनती कि ना मिलूँगा आपसे, तो अल्लाह पामान, अल्लाह हाफिज़।